तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसको हम महर्षि वाल्मीकि अयोध्या एयरपोर्ट भी कहते हैं। अयोध्या राम मंदिर से ये एयरपोर्ट लगभग 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी राम मंदिर घूमना चाहते हैं, अयोध्या घूमना चाहते हैं, जो कि प्रभु श्री राम की राम नगरी है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसे 2024 में आप अयोध्या घूम पाएंगे, कितना बजट आपको चाहिए होगा, कैसे अयोध्या आ सकते हैं, कितने दिन आपको लगने वाले हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ आप खा सकते हैं, किन किन जगहों पर घूमना है, ऐसी 10 जगह बताने वाला हूँ अयोध्या में, जो कि आपको अवश्य ही घूमना चाहिए अयोध्या आने के बाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट में जय श्री राम लिखना है और जरूर अयोध्या भी पधारना है। तो शुरुआत करते हैं, जय श्री राम। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करने वाली है, अगर आप अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो कैसे आप अयोध्या पहुंच सकते हैं, यानी कि किन साधन के माध्यम से आप अयोध्या आ सकते हैं और सबसे उचित और सस्ता साधन कौन सा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं तो आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुका है, जिसको हम अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। अगर आप इस एयरपोर्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ से अयोध्या की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर ही रह जाती है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में यहां से आपको टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि आपको सीधा श्री राम जन्मभूमि के पास में लेकर जाती है। साथ ही में आने वाले समय में यहां पर आपको बस सुविधा भी मिलने जा रही है, जो कि आपको सीधा अयोध्या लेकर जाने वाली है। बात कर लेते हैं ट्रेन के माध्यम से आप कैसे अयोध्या पहुंच सकते हैं। सबसे पहले स्टेशन आने वाला है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे नियरेस्ट और सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन माना जाता है अयोध्या आने के लिए। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो यहां पर आने के बाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही देखने के लिए मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आराम से दर्शन भी कर पाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सभी बेसिक सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ पर आपको डोरमेट्री, एस्केलेटर, लिफ्ट, वाईफाई, सभी सुविधा आपको पूर्ण रूप से मिल जाती है, लगभग बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा ही बना है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। वहीं दूसरा रेलवे स्टेशन आ जाता है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि श्री राम जन्मभूमि से काफी दूर स्थित है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह रेलवे स्टेशन स्थित है और भारत के कई राज्यों से यहाँ पर भी ट्रेनें आया करती हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की अगर आपको ट्रेन मिल जाए तो आप उसी रेलवे स्टेशन का चुनाव करें, क्योंकि वो काफी नजदीकी रेलवे स्टेशन है। परंतु अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से भी आपको आराम से टैक्सी और ऑटो की सुविधा मंदिर तक के लिए मिल जाती है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे यात्रियों के बारे में जो कि अयोध्या बाय रोड आना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ऐसे में आप बस के माध्यम से अयोध्या ISBT आ सकते हैं। अयोध्या ISBT अगर आप आते हैं तो वहां से राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर ही रहती है, जिसके लिए आपको अयोध्या ISBT से भी बस की सुविधा मिल जाती है। जो बस आप सामने देख रहे हैं ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है। 15 से 20 रुपए का किराया होता है और ये आपको मंदिर छोड़ देती है। बाकी अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से आपको जगह जगह से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ही आराम से अयोध्या पहुंचाने वाली है। बात कर लेते हैं अगर आप अयोध्या आते हैं तो कहां रुक सकते हैं। अयोध्या में आपको रुकने के लिए काफी सही होटल मिल जाएंगे। 500 रुपए से होटल की शुरुआत हो जाती है और आप चाहें तो होटल काफी और सस्ते में भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हैं, परंतु 500 रुपए तक में आपको ठीक ठाक होटल मिल जाता है। पर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि डोरमेट्री में रुकना चाहते हैं तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की रोड पर आपको ये डोरमेट्री देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर न सिर्फ मल्टी लेवल पार्किंग है, अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो काफी मंदिर के पास पड़ती है पार्किंग और यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डोरमेट्री की सुविधा मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको भोजन की सुविधा भी मिल जाती है। काफी ठीक ठाक रेट पर आपको यहाँ पर भोजन की सुविधा भी दे दी जाती है, तो आप जरूर यहाँ पर आ सकते हैं। अयोध्या में 500 रुपए से लेकर 1100, 1200, 1500 रुपए तक में आराम से आपको होटल मिल जाते हैं। मेरा सुझाव आप सभी के लिए ये रहेगा, अगर आप होटल लेने का प्रयास करें तो कोशिश करें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास में आपको काफी होटल मिल जाएंगे, वहां पर आप बहुत ही आराम से ठीक ठाक रेट पर होटल ले पाएंगे। अगर आप ज्यादा दूर होटल लेते हैं तो ऐसे में आपका ऑटो का किराया काफी ज्यादा लग सकता है और आपको आने जाने में परेशानी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे 10 स्थानों के बारे में जो कि अयोध्या आने के बाद में आपको जरूर घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और आपकी अयोध्या की यात्रा और भी ज्यादा अद्भुत बना देते हैं ये स्थान। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरयू रिवर, जिसे हम रामघाट के नाम से भी जानते हैं। सरयू रिवर असल में वो स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि प्रभु श्री राम की नगरी में अगर आप आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्नान करना चाहिए।
होटल में चेक इन करने के बाद में सबसे पहले आप सरयू घाट आ जाइए। यहाँ पर स्नान करने के बाद में ही आप आगे भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए निकल सकते हैं। इस घाट पर वैसे तो आप दिन में भी आ सकते हैं, पर मेरा मानना है रात के समय अगर आप आते हैं तो आपको ऐसा नजारा देखने के लिए मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं अयोध्या की आपकी जो अनुभूति है वो और भी ज्यादा भव्य बना देगा। रात के समय इस तरीके से आपको लाइटिंग शो देखने के लिए मिल जाता है, तरह तरह के समारोह यहाँ पर होते हुए देखने के मिल जाते हैं, और आप कभी किसी त्योहार के दिन आते हैं तो उस समय आपको दीपोत्सव भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही राम घाट पर आपको गंगा आरती भी देखने के लिए मिल जाती है, जिसके लिए आपको शाम को 6 बजे तक घाट पर पहुंचना होगा। अगर आप घाट पर पहुंचते हैं तो आपको ऐसे भव्य और दिव्य आरती देखने के लिए मिल जाती है जो कि सरयू घाट पर होती है हर शाम को लगभग 6 बजे, तो आप जरूर इसको मिस नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे स्थान के बारे में जो कि है हनुमानगढ़ी। ठीक इसी क्रम में आप दर्शन कर सकते हैं, पहले सरयू नदी जाकर हनुमानगढ़ी में दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले भक्तों को हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए, जहाँ पर प्रभु श्री राम के दूत हमारे बजरंगबली मौजूद है, जहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं उनके, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तों की काफी लंबी कतारें भी देखने के लिए मिल जाती हैं। हालांकि यहाँ पर दर्शन करने में आपको 15-20 मिनट आधे घंटे तक का समय भी लग सकता है, तो इसलिए जरूर इसको मिस ना करें, अन्यथा आपके दर्शन अधूरे ही माने जाएंगे। हनुमानगढ़ी बहुत ही मुख्य स्थल माना जाता है अयोध्या में। वहीं तीसरा स्थल आ जाता है राम मंदिर। राम मंदिर अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए सुबह लगभग 6 बजे से द्वार कपाट खुल जाते हैं भक्तों के लिए, जो कि रात को 10 और 11 बजे तक खुले रहते हैं। ध्यान रहे शाम के समय अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसी लाइटिंग देखने के लिए मिलती है, तो कोशिश करें 4-5 बजे के आसपास भी आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पर लोकल की सुविधा भी मिल जाती है, साथ ही जूते चप्पल लोकल की सुविधा भी मिल जाती है। हम पहुँच चुके हैं कनक महल। माना जाता है इस महल को केकई माता ने भेंट किया था सीता माता को जब उनकी शादी प्रभु श्री राम से हुई थी, और इस स्थल की मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ये सबसे मुख्य स्थल है, और मेरा मानना है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो लगभग शाम को 6-6:30 तक आ सकते हैं, जिसके बाद आपको ये लाइटिंग देखने के लिए मिलती है यहाँ भी और अंदर भी। जो इसकी समय सारणी है सुबह 8 से 12 और शाम को 4 से 9:30 इसकी टाइमिंग्स है। हमारा अगला स्थान आ जाता है राजा दशरथ महल, जहाँ पर जाने के बाद में आपको अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि ये वो स्थान माना जाता है जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म होता है, क्योंकि राजा दशरथ महल प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ को समर्पित है। यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो अनुभूति होगी जो शायद आपने आज से पहले कभी महसूस भी नहीं की होगी, इसलिए इस स्थान पर आने के लिए मेरा मानना है आप शाम को भी आ सकते हैं, क्योंकि शाम के समय आपको यहाँ पर ऐसी लाइटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर प्रभु श्री राम की नगरी आप आते हैं तो राजा दशरथ महल के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर जगह जगह भंडारा भी होता रहता है। वही बात करते हैं छठे स्थल की तरफ, जो कि होने वाली है अयोध्या मार्केट। साथ ही यहाँ पर आप अपना खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, जगह जगह आपको ढाबे रेस्टोरेंट की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पर आप सही रेट पर खाना भी खा सकते हैं। लता मंगेशकर चौक से लेकर राम मंदिर की तरफ अगर आप चलते हैं तो पूरी भव्य मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ठीक सामने आप देख रहे हैं। रात के समय यहाँ पर भ्रमण करने का एक अपना ही अलग मजा देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही अगर आप निशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको भंडारे की सुविधा मिल जाती है। पर एक राम मंदिर है जिसका नाम है अमावा राम मंदिर। ये जस्ट जन्म स्थल जो है ना, जन्मभूमि जो है राम जन्मभूमि, जस्ट उससे लगा ही हुआ है, तो उसमें ये पर्ची मिली है। इस पर्ची से हम यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब भंडारा चल रहा है। देखिए यहाँ पर भंडारे में क्या क्या मिला है। ये पूरी है, ये पापड़ है, ये एक तरीके की कचरी टाइप की हो जाती है, और उसके बाद ये चावल आ गए हैं, ये कोफ्ते की सब्जी आ गई है, आलू टमाटर, फिर यहाँ पर चटनी आ गई है, और ये दाल है। कितना बढ़िया भंडारा है भाई। जय श्री राम। अयोध्या आ रहे हो, थोड़ा सा ऑथेंटिक खाना खाना है, टेस्टी चाइनीज फूड खाना है, तो भाई यहाँ पे आ जाओ। फूड ऑन व्हील्स करके है और बहुत ही बढ़िया है भाई। यहाँ पे जो खाना आप खाओगे जो टेस्ट है वो बहुत सही है। मतलब मैं अयोध्या जब पहली बार आया था ना, मुझे सबसे सही खाना यहीं पर लगा। तो फूड ऑन व्हील करके यहाँ पर कार्ट है भैया की, तो इस पर आप आ जाना। मैं नंबर वगैरह एक शेयर कर दूँ। एक्चुअली कार्ट भैया की लता मंगेशकर चौक पे भी लगती थी और अभी एयरपोर्ट वाली रोड पे लग रही है, तो नंबर डाल दूँगा, देख लेना जहाँ पर भी भैया की कार्ट लगे आने वाले समय में। भाई टेस्ट करना, बढ़िया खाना है। अयोध्या राम मंदिर का मुख्य द्वार है, ठीक है, और ये सड़क जा रही है इस तरफ को लता मंगेशकर चौक। तो जहाँ पर ये द्वार है ना, इसके पास यहाँ पर देखिए इंडियन बैंक की ब्रांच है। यहाँ पर एक भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है श्री बालाजी भोजनालय एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको बहुत ही किफ़ायती रेट पर खाना मिल जाता है। 100 रुपये में बढ़िया थाली मिल जाती है खाने के लिए, जिसमें कि आपको चावल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, सलाद वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है प्रॉपरली। बाकी देखो अयोध्या में आप जाएंगे तो एक जगह मैं आपको और दिखाना चाहूँगा,
जहाँ पर आप मुझे बोलेंगे कि भाई ये जगह बढ़िया रिकमेंडेशन में रही आपकी, ये तो मैंने आपको बताई थी इंडियन बैंक के पास में इनकी ब्रांच है, इससे 3-4 कदम आगे चलिएगा बस, तो ये आपको भीड़ लगी हुई दिखाई देगी हमेशा हमेशा के हमेशा, यहाँ भीड़ मिलेगी आपको क्योंकि यहाँ पर समोसे, कचौड़ी और तरह तरह की मिठाइयाँ मिल जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम किफ़ायती रेट पर है। ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में संख्या में समोसे ही समोसे तले जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि समोसे इनका एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए समोसे, समोसे के साथ गुजिया काफ़ी खाते हैं, रसमलाई भी रहती है यहाँ पर और मेवा भी रहता है, काफ़ी तरह की यहाँ पर मिठाई है, समोसा सबसे ज़्यादा बिकता है भाई इनका, तो यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए बराबर में एक चाय की दुकान भी है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बढ़िया चाय मिल जाती है। ये देखिए SST स्टॉल के नाम से भाई, ये ज़रूर ट्राई करो, अयोध्या में ये मैंने कई बार खाया है, बढ़िया है। और ये भी देखो यहीं पर मिल गया आपको, सब कुछ यहीं मिल रहा है। यहाँ पर राम मंदिर दिख रहा है आपको जस्ट पास ही में, ये देखिए राम मंदिर है, एंट्री गेट है, मेन एंट्री गेट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर इस हाथ पे है, ठीक सामने राम मंदिर है, और यहाँ पर ये खाने का भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पर समोसे की दुकान है, यहाँ पर चाय की दुकान है, और यहाँ पर देखो भैया ये बढ़िया बेच रहे हैं चने। आपका लता मंगेशकर चौक जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, लता मंगेशकर जी की याद में उनकी पीना यहाँ पर दी है, और जो देखने को आपको यहाँ पर मिल रही है जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ पर सजा दिया गया, देखिए चारों तरफ से फूल और हर तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगा दिए गए हैं, और ये जो पूरा चौक है इस चौक को भी लता मंगेशकर चौक के नाम से ही जाना जाता है। लता मंगेशकर चौक की खूबसूरती रात में भी बहुत ही भव्य होती है, तो मेरा मानना है रात के समय भी आप यहाँ पर जरूर जा सकते हैं, सरयू घाट पर जब आप आरती लेते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, उसके बाद में आप जरूर लता मंगेशकर चौक को रात के समय देख सकते हैं, जिसके बाद में आपको भव्य यहाँ पर नजारा देखने के लिए मिलता है। बात करें अगली स्थल की तो होने वाला है सूर्य स्तंभ, सूर्य स्तंभ भी आप रात में ही देखिए, काफी भव्य नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे यहाँ पर सूर्य रात में चमक रहा हो, और दिन की बात करें तो दिन में भी यहाँ पर नजारा भव्य ही होता है, तो मेरा मानना है सूर्य स्तंभ को भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। अयोध्या आने के बाद में लता मंगेशकर चौक के पास में ही यहाँ पर आपको सूर्य स्तंभ की प्रतिमाएं देखने के लिए मिल जाती है, लगभग आधे से 1 किलोमीटर लंबाई कॉरिडोर है जिसमें चारों तरफ आपको सूर्य की प्रतिमाएं देखने के लिए मिल जाती है, तो इसलिए मेरा मानना है आप जरूर इस स्थल को मिस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही भव्य स्थल है, लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं और तरह तरह की यहाँ पर गतिविधियां चलती रहती हैं। तो फिलहाल अयोध्या घूमते हम अयोध्या से लगभग 24-25 किलोमीटर दूर आ गए हैं, ऐसे स्थान पर जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो, पर रामायण जब पढ़ी होगी या रामायण देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा खड़ायू लेकर शासन करते हैं भरत जी, जो कि राम जी के भैया हैं, और तब तक उनका इंतजार करते हैं 14 वर्ष तक, जब तक राम जी वापस नहीं आ जाते, तो यहीं से ही वो अयोध्या पर पूरा शासन करते हैं, इस जगह को कहते हैं नंदीग्राम, जो कि आप मेरे जस्ट पास ही में देख रहे हैं, इसको नंदीग्राम कहते हैं, और यहाँ पर रहकर ही भरत जी पूरा अंतर ध्यान रहते हैं प्रभु श्री राम के लिए, उनकी खड़ायु लेकर शासन करते हैं, और ये जगह बहुत ही प्यारी है। ये नंदीग्राम लगभग अयोध्या से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आमतौर पर आपको अपनी कोई निजी वाहन कर ही आना होता है, या फिर आप अपने वाहन से भी आ सकते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर मंदिर बनाया है, वो स्थान बनाया है जहाँ पर जो भरत जी हैं एक गुफा में निवास भी करते हैं और ध्यान लगाते हैं प्रभु श्री राम के लिए, और एक पेड़ है जहाँ पर माना जाता है भरत जी बैठ कर ध्यान लगाया करते थे, और साथ ही वो स्थान है जहाँ पर माना जाता है, रामायण में बताया जाता है कि भरत जी एक बार गलती से बाण चला देते हैं हमारे बजरंगबली पे, क्योंकि उनको लगता है बजरंगबली शायद कोई पिशाचर या कोई भूत प्रेत इस तरह की बाधा है, और वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रहे होते हैं, तो वो बाण चला देते हैं, पर जब बजरंगबली पे वो बाण चलाते हैं तो होता क्या है, बजरंगबली मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं, बजरंगबली उस समय संजीवनी बूटी लेकर जा रहे होते हैं लक्ष्मण जी के लिए, और तब जाकर उनको पता लगता है भरत जी को कि ये तो बजरंगबली जो है राम जी के ही दूत है, और जब उन्हें पता लगता है तो फिर वो उनकी मूर्छा ठीक करते हैं, और तब बजरंगबली जाकर संजीवनी बूटी पहुंचा पाते हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं उनके प्राण बचा पाते हैं। जय श्री राम। हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ये आ जाता है चूरामढ़ चौराहा, जहाँ पर सीता माता के लिए एक प्यारा सा चूड़ा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसको देखने के लिए अयोध्या वासी और बाहर से भी जितने भक्त आते हैं वो दूर दूर तक आते हैं, काफ़ी प्यारा लगता है ये, और शाम के समय यहाँ पर आपको लाइटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, अभी दिन का समय है, शाम के समय अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लाइट शो भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है, लाइट्स वगैरह यहाँ पर प्रॉपर लगी रहती हैं, तो चूड़ामढ़ चौराहा ज़रूर आना ना भूलें, जो कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं, और इस जगह को भी आप
देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप भी अयोध्या घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको कितने दिन की आवश्यकता होगी। मेरा मानना है अयोध्या के लिए आपको 2 दिन की आवश्यकता होगी। दूसरे दिन की रात में आप बहुत ही आराम से अयोध्या से वापसी कर सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 दिन की आवश्यकता होने वाली है ये सभी स्थान घूमने के लिए। तो कम से कम 2 दिन आप लेकर आए। चाहे तो आप 1 दिन में भी सभी स्थलों को घूम सकते हैं, सभी जगहों को घूम सकते हैं, परंतु उसमें थोड़ी सी समय की आपको कमी पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं अंत में कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो पर पर्सन का बजट कितना रहने वाला है। पर पर्सन के बजट की बात करें तो लगभग 1500-2000 रुपए में आप बहुत ही आराम से अयोध्या 2 दिन के लिए घूम सकते हैं, जिसमें कि आपका खाना, घूमना, रहना इंक्लूड हो सकता है। अगर बात करें आप 2 लोग जाते हैं तो 500 रुपए में आपको बहुत ही आराम से 1 दिन के लिए होटल मिलने वाला है, रूम मिलने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ 1 दिन के रूम की आवश्यकता होने वाली है। दूसरे दिन तो चाहे आप अपने होटल में लगेज रख सकते हैं, उस दिन आपको रूम की आवश्यकता नहीं होने वाली है। दूसरे दिन तो आप अपनी ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट या फिर बस के माध्यम से वापिस जाने वाले हैं, तो 1 ही दिन की होटल की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर खाने की बात करें तो 100 रुपए में आपको भरपेट खाना एक टाइम के लिए मिल जाता है, तो लगभग पर पर्सन 200 रुपए पर डे का खाना। इस तरह से आपको 400 रुपए का खाना 2 दिन के लिए पड़ने वाला है। होटल की बात करें तो पर पर्सन लगभग 250 रुपए तक का आपको होटल मिल जाएगा। वहीं घूमने की बात करें तो अयोध्या घूमने के लिए आपको ऑटो या फिर रिक्शा की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पर पर्सन तक का 400 रुपए तक का खर्चा हो सकता है। इसके मुताबिक भी लगभग 1000 से 1200 या 1500 रुपए के बीच में बहुत ही आराम से आप अयोध्या घूम पाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जय श्री राम कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।